फिर आयो तो सब कुछ। फिर आज ड्रोन चला रहे हो क्या? We are going back to our resort. Hi, welcome back to Sevi Diaries. So today we are going to a very scenic place close to Manali, जो कि आजकल विंटर्स में काफी पॉपुलर है। It's 1 hour drive from our hotel. हम्टा पास जा रहे हैं आज। So we are going to Hamta Pass and this trip is arranged by Club Mahindra only. We are staying at Club Mahindra. So we'll give you the tour of Club Mahindra in our next vlog. So views are really amazing. लेकिन जो road conditions हैं, those are not good. माउंटेन्स में रेनी सीजन में ही आने का मजा है। यू गेट टू सी ब्यूटिफुल व्यूज और आप जो देख रहे हो इट्स ऑल लाइक कवर्ड विद क्लाउड्स। कुछ ह्यूज सा बैठा हुआ था वहां पे, सो दैट वॉज वर्थ इट, वॉज रियली ह्यूज। सो वी हैव रीच्ड फ्रॉम वेयर हमता ट्रेक स्टार्ट्स। So this place is really amazing and it took us 1 hour to reach here from Club Mahindra. Babu, kaise karta hai? Doggy kaise karta hai? Kariba dekhe bina pooch ke chuhe. So there's a hydro power project going on here and it's a popular camping site also. So jo trek ke liye jana chahte hain, they camp here. Wow, yaar. Viraj, कहाँ जा रहे हो आप? दूदू, होशी। मनाली से जो यहाँ तक का जो roads थे, condition was not good और हम लोग बस यही देखे हम लोग कब पहुंचेंगे वहां पर। But once we reached here, it's really amazing. The views are to die for. This is what you get to see in monsoon. Okay, Viraj. तो इस point से हमता trek start होता है। So we are not going for Hamta trek, we'll be here only, so we'll show you what is around this place and it's really beautiful. So aapko rainy season mein is tarike ka aapko atmosphere dikhega. You get to see clouds, greenery everywhere, mist and the beautiful Bias river flowing here. Oh my god, I didn't imagine ki इस तरीके के जगह हम लोग आएंगे। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे लगा था कि ये सब कुछ कश्मीर में ही है, क्योंकि अभी हम लोग कश्मीर होकर आए हैं। वी हैव डन लेह लद्दाख एंड इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप एंड नाउ वी आर हियर इन मनाली फॉर 6 days। तो आप लोग ट्रैकर्स देख सकते हो, दे आर गोइंग फॉर हमता ट्रैक। अभी हम लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ विराज बहुत छोटा है, बट वी विल डेफिनेटली डू हमता ट्रैक वन डे। रेनी सीजन में आना माउंटेन्स थोड़ा रिस्की जरूर होता है, बट मजा रेनी सीजन में ही आने का है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लैंड स्लाइड्स का और बाकी चीजों का थोड़ा सा तो डर रहता है। इस बार हमने ज्यादातर ऑफबीट लोकेशंस एक्सप्लोर किए मनाली में। We have been to Jogini Falls. हम लोग वशिष्ठ टेम्पल जरूर गए थे लास्ट में, बट वी डिडंट गो टू जोगिनी फॉल्स। इट्स अगेन अ स्मॉल ट्रैक
to reach Jogni Falls. It's a beautiful waterfall, the biggest waterfall in Manali. तो इस बार हम लोग भी थोड़ा सा ट्रैक तो कर ही लेंगे ट्रैकर्स के साथ में. विराज खुला आसमान आ गए हम कहां. Where are you going? We're going on a track. हम तक ट्रैक. हाँ, अब ट्रैक डन. हम तो ट्रैक डन. विराज, ओह, वाह विराज, वाह वाह, ब्यूटीफुल रिवर, वाह, दिस इज नाइस. Viraj, Baba. So this is a hidden gem here in Manali. हम पहले कभी नहीं आए यहाँ पर. So this is the first time we are coming here and it's really beautiful. तो यहाँ पर एक दिन पूरा दिन आपको रुकना चाहिए यहाँ पर if you have time. और यहीं पर आप पिकनिक कीजिए. हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज्यादा सुंदर जगह होगी और यहाँ पर आराम से भी कितनी देर भी रुक सकते हो. तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर नेचर लवर्स और हम जैसे लोगों के लिए तो ये हेवन है ना विराज. सो विवेक इज ट्राइंग टू कैप्चर सम ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. इतनी सुंदर रिवर है यहाँ पर और इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी. Place was suggested by Club Mahindra. So we thought let's go and explore. हमें नहीं पता था इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह होगी. तो चलो हम लोग आए. And I really recommend this place to everyone those are coming to Manali. अगर आपको मनाली में कोई स्वर्ग जैसी जगह देखनी है तो आप लोग यहाँ पर आइए. It's really beautiful. तो ये मॉनसून के टाइम का मनाली है. यहाँ पर विंटर्स में यहाँ पर ही इग्लू जो आपने सुने वो यहीं पर ही होते हैं. सो दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल एंड कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू आउट द ईयर. सो नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न एंड देयर इज अनदर लॉट कमिंग टू ट्रैक. तो यहाँ पर हमें इस बार इतने सारे ट्रैकर्स दिखे हैं. अब बस हम लोग विराज का थोड़ा बड़े होने का वेट कर रहे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट गोइंग फॉर ट्रैक्स आल्सो. अभी बस दिमाग में इतने सारे ट्रैक्स हैं कि हमें कौन कौन से ट्रैक्स करने हैं एंड दिस हमता पास इज देयर ऑन द लिस्ट. अब हम लोग इस बार पिकनिक तो नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग प्रिपेयर होके नहीं आए थे. हमने सोचा था ठीक है होगा अहमदाबाद बट विल डेफिनेटली हैव मैगी एंड टी हियर. हम लोग थोड़ा देर और रुकना चाहेंगे यहाँ पर. सब अच्छे बनाना बढ़िया.
सब कुछ। आप जब भी इस तरीके के कहीं पर जाते हो, मनाली या इस तरीके किसी भी टूरिस्ट जगह पर, और वहाँ पर अगर कोई लोकल आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कहीं जाने के लिए, तो वन शुड डेफिनेटली गो। Oh my God, विराज ने यहाँ पर कम से कम 500 मीटर तो वॉक किया ही किया है। सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर ट्रेक्स हाइक्स। अभी वो सिर्फ 1.5 साल का है एंड इज रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस। देख के बेटा, विराज क्या कर रहे हो? विराज ड्रोन चला रहे हो क्या आप? So again, after spending one more beautiful day here in Manali, we are going back to our resort and now we'll show you the views. Because when you descend, you get to see the views of the valley and they're really amazing and beautiful. So you will see place by place, you will see waterfalls. Viraj. तो इस रूट पर जाने के लिए मनाली से हफ्ता पास के लिए वन शुड प्रेफर 4x4। अगर आपका व्हीकल 4x4 है देन इट्स गुड, अदरवाइज आप जो भी यहाँ पे लोकल जो भी 4x4 व्हीकल आप उससे जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के हेयर पिन बेंड्स मिलेंगे। एक तो हमें मिले थे गाटा लूज पर एंड नाउ हेयर, बिल्कुल प्रॉपर हेयर पिन्स की तरह है सारे। आपको इस जगह आने के लिए आपको परमिट लेना होगा, तो हमें क्लब महिंद्रा ने अरेंज करके दिया है, सो दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दैट। तो आपको यहाँ से सुंदर सा मनाली दिख रहा है एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम हियर इन मनाली। इस बार हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है एंड वी हैव रेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि हमारा बहुत लंबा ट्रिप हो गया था, तो ये हमारा पूरा जो ट्रिप है इट्स ऑफ 28 डेज एंड विल बी गोइंग बैक टू दिल्ली टुमारो एंड विल बी गिविंग यू द होटल टूर एज वेल। क्लब महिंद्रा के यहाँ पे दो रिजॉर्ट्स हैं, सो वी हैव बीन टू बोथ द रिजॉर्ट्स, सो विल गिव यू द टूर ऑफ द रिजॉर्ट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर दिस ट्रिप व्हिच इज 28 डेज लॉन्ग ट्रिप, तो हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया था, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से ले टू मनाली एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली टुमारो। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग एंड एडवेंचरस ट्रिप फॉर अस। इसमें हमने सब कुछ देखा है, वी हैव सीन ऑल द वेदर्स, हमने सब इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस किए हैं एंड हमारे जो व्हीकल है उसका टायर बस्ट हुआ है पैंगोंग लेक पर। सो वी हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग और हम लोग सब कुछ करते हुए आराम से यहाँ तक पहुँच गए मनाली तक, और बस टायर के साथ में आए हैं, तो वी आर ऑन 4 टायर्स और हमारे पास कोई स्टेपनी नहीं है,
Now we'll get a tire repair in Delhi only. So this is how our trip was. So if you have any questions regarding any of the locations, chahe wo Srinagar ho, Kashmir ho, Manali ho, Leh Ladakh ho, please feel free to ask us. We'll be happy to answer all your questions. Thank you.